क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, अपन जो तीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, 7th 8th 9, तो इसमें आपकी जो एक यूट्यूब दिखा रखी है आपको, बट यूट्यूब ऐसी है जिसका डाया दोनों तरफ सेम नहीं है बेटा। इधर का डाया अलग है, कम पतली पतली है थोड़ी, इधर मोटी ट्यूब है। तो आप ऐसा पढ़ते आ रहे थे अभी तक कि जितना भी आप लिक्विड भर दो हाइड्रोस्टेटिक में, दोनों तरफ लेवल सेम होगा। तो आपको समझ में आ रही हो बातें, तब तक ही है जब तक कि क्वेश्चन में आपको सरफेस टेंशन नहीं दे रखी है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन आपको नहीं दे रखी है, तब तक ही है कि दोनों तरफ हाइट क्या हो जाती, सेम हो जाती। लेकिन अब आपको सरफेस टेंशन स्पेसिफाई कर रखी है, 0.07 न्यूटन पर मीटर, कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ हाइट में डिफरेंस निकालना है। जी गिवेन है आपको 9.8, जी गिवेन है आपको डेंसिटी गिवेन है, ठीक है। आपको जी गिवेन है और आपको क्या डेंसिटी गिवेन है। अब आपको रिलेशन निकालना है, तो वही करेंगे। आपको जस्ट अंदर यहाँ प्रेशर पता है, जस्ट यहाँ पे P2 = P1 + ρgh, एक ही लाइन में आंसर है आपका, दूसरी लाइन ही नहीं लगेगी, ठीक है ना। उससे आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जस्ट अंदर यहाँ पे प्रेशर उतना ही होगा जितना यहाँ पर है, क्योंकि लिक्विड में यहाँ पे प्रेशर बॉटम पे बराबर करना है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट अंदर जितना प्रेशर है वही यहाँ का प्रेशर है, ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वही यहाँ पर होगा। तो आप दोनों प्रेशर इक्वेट कर दीजिए बेटा, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ए साइड पर प्रेशर कितना बोलेंगे, PATM, कांटेक्ट एंगल 0 है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर θ = 0 इम्प्लाइज कि रेडियस स्मॉल आर जो होगी किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, या θ = 0 इम्प्लाइज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मेनिस्कस जो भी होगी आपकी कैपिटल आर के बराबर, यानी कि रेडियस ऑफ ट्यूब के बराबर होगी। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ ट्यूब, वो रेडियस ऑफ ट्यूब के बराबर है हमेशा, आपकी जो भी कर्वेचर यहाँ पे बन रही है कॉन्टेक्ट एंगल 0 होने की वजह से, ठीक है। तो इसलिए आप पीए का प्रेशर कितना लिख देंगे, कॉन्वेक्स साइड क्या होता है, कॉन्केव साइड ज्यादा होता है, कम हो जाता है कॉन्वेक्स साइड, तो यहाँ कुछ कम होगा, ठीक है। तो कितना कम होगा, PATM - 2S/R2। आप इस पर फोर्स बैलेंसिंग से भी लिख सकते हैं, कैसे भी कर लें, सेम चीज है। तो यहाँ का प्रेशर कितना आ जाएगा, PA कितना आ जाएगा, PATM - इसके जस्ट अंदर प्रेशर कितना होगा, PATM - 2S/R1, ठीक है, +ρgh। तो आप दोनों बराबर कर दीजिए इसको, एक बार इधर से प्रेशर लिख लिया, एक बार सेम लेवल पर प्रेशर बराबर होगा इस, ठीक है। तो इसलिए आपकी दोनों इक्वेशन जो आपने लिखा दोनों साइड से प्रेशर, अब आप उसको इक्वेट कर दीजिए बस। तो कितना आ जाएगा, PATM - 2S/R2, PATM - 2S/R1 +ρgh आ जाएगा। तो PATM कट गया आपका ऐसा, ठीक है। तो ये हाइट रेस कितनी आ जाएगी आपकी, हाइट रेस आ जाएगी 2S/ρg, 1/R1 - 1/R2। आर ही कम था आपका, यही आ रहा है, H = 2S/ρg, 1/R1 - 1/R2। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आपका कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है क्या इसका, तो बी आ रहा होगा इससे, जो भी आ रहा होगा, ठीक है, आएगा आपका आंसर इसी से, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड, मैं कैपिलरी कहाँ है यहाँ पर बेटा, कैपिलरी कहाँ है यहाँ पर, एक्सरसाइज 3। ठीक है ना, एक्सरसाइज 3 का कौन सा क्वेश्चन है, इस 8th है क्या, बी आंसर है इसका, है ना, 9.52। तो आंसर इसका हो जाएगा 9.52 आ जाना चाहिए, आप चेक करिएगा। और किसी को दिक्कत बेटा है प्रेशर डिफ, ऐसे में आपको कंटेनर के बॉटम पे जब प्रेशर निकलवाया था तब भी ये चीज तो बता चुका था कि अब हाइट में जब सरफेस टेंशन गिवेन हो, तो जब आप नीचे ρgh ऐड करें तो PATM में सीधे ना करें, जो भी मिनिस्कस बन रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अकाउंट में लेते हुए ऐड करें, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल कांटेक्ट एंगल 0 डिग्री देने से इस मेनिस्कस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ट्यूब की रेडियस के बराबर हो गई, ठीक
इसलिए प्रेशर डिफरेंस में 2s/r1 r2 की जगह मैंने उस ट्यूब की रेडियस ही यूज़ कर ली और दोनों तरफ से प्रेशर लिख के उसको इक्वेट किया तो हाइट रेज आ जाएगी आपके पास। तो इस 8th क्वेश्चन में सरफेस टेंशन के किसी को भी